मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्राइडे का दिन है, दिन की 12:30। तो दिन की 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, और इसके पहले की जो पूरी अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन आपके साथ में मैंने शेयर कर दी थी क्या क्या किया। और अभी हाँ, आज फ्राइडे का दिन है, आज सेकंड फ्राइडे है, तो आज जैन साहब के शॉप की हॉलीडे है, तो आज इसीलिए आराम से काम जो करे थे। अभी जस्ट बस नहा के निकली हूँ। इधर किचन देखो, पूरा अच्छे से मेरा क्लीन हो गया है, और हो क्या गया, मैंने मेहनत से करा है। और अभी मैंने फेस पे, पता, मैं नहा के निकली और निकलते में ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। मुंह पर कुछ लगाया नहीं है, पूरी स्किन जो है ना वो इतनी खींच रही है, ड्राई हो रही है, और इधर बर्तन वगैरह जो है वो सब साफ़ कर दिया। और आज छुट्टी का दिन है, अभी कुछ देर में आंटी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, तो आज ढेर सारे बर्तन हो गए थे। और ये देखो, खाने की स्पेशल बनने वाला, आज छुट्टी है ना तो स्पेशल तो बनता ही है। और यहाँ पर ये मैंने दूध गर्म करके रखा है, जिसका मुझे दही जमाना है। और इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने पूरी अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे तक की जो रूटीन थी, 5 बजे से जो रूटीन थी वो शेयर करी थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये देखो, मॉर्निंग में मैंने बच्चों के टिफ़िन में बनाई थी फ्राइड इडली, तो ये मैंने एक्स्ट्रा गोल जो है वो करके रखा है, जिसका मैं बनाऊँगी उत्पम। और उत्पम के लिए जो वेजिटेबल्स है, ये देखो मैंने चॉप करके रख रखी है, और साथ में बनेंगे पकौड़े, ये कॉर्न के पकौड़े बनेंगे, तो इसका भी मैंने गोल जो है वो करके रख दिया था। एक्चुअली नहाने गई थी ना, तो उसके पहले ही मैंने ये सारी की सारी तैयारी करके, और जितने बर्तन निकलने थे ना वो सारे के सारे, ये देखो सारे बर्तन जो थे वो मैंने क्लीन कर दिए। कुछ बर्तन ये देखो बाहर भी पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर है, तो अभी खाली फटाफट से मुझे कुछ नहीं, एक तरफ मैं सोच रही हूँ कि दो उत्पम जो है ना वो रख देती हूँ, और पकौड़े जो है वो फ्राई कर देते हैं, क्योंकि अब लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। तो इडली के लिए जो गोल था वो थोड़ा सा मैंने टाइट बनाया था, लेकिन अभी इसके लिए मुझे उत्पम के लिए हल्का सा इसमें मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा। और वेजिटेबल के अंदर मैंने टमाटर और कैप्सिकम, इन दोनों को चॉप करके रखा था, थोड़ा सा इसमें से पानी रिलीज़ हो गया, जिसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो आगे की तरफ आ जाएगा। मॉर्निंग में तो ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं कि कहीं पर बाहर जाना है, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं और उसके बाद में बच्चों की ट्यूशन रहेगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही प्लानिंग ये बन गई है मेरी कि फटाफट से काम जो है वो निपटा के, और जैन साहब की छुट्टी है तो फिर उनको लेकर मैं जाऊँगी डी मार्ट, क्योंकि इसके बाद में फिर मैं घर की जो क्लीनिंग वगैरह है उसके अंदर बिज़ी हो जाऊँगी, तो फिर टाइम मुझे मिलेगा नहीं बाहर जाने का। तो ये डी मार्ट वाला काम जो है सोच रही हूँ कि आज ही मैं निपटा देती हूँ। और दिखने में ये उत्पम इतने प्यारे से लग रहे हैं, और खाने में सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मुझे ना इस तरीके से, मतलब सूजी के मैं बनाती हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई प्री प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, इंस्टेंट आप फटाफट से गोल बना के और बना सकते हो। और साथ में मैंने नारियल की जो चटनी है वो मैंने कब से ही बना दी थी, मतलब नहाने से पहले ही मैंने बना के और फ्रीज़ के अंदर रख दी थी, तो इसको हम खाएँगे नारियल की चटनी के साथ में, और जो कॉर्न के पकौड़े हैं उसको खाएँगे हम सॉस के साथ में। तो आज मैंने मीठी वाली जो चटनी बनाती हूँ ना जनरली, वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि आज ऑलरेडी इतने सारे बर्तन और काम बहुत सारे हो गए थे, मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि मतलब आज खाना नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि रोटी और सब्ज़ी ये बनाना और भी ज़्यादा आसान है। किस किस को लगता है, मतलब पहले मैंने सोचा था कि कौन रोटी और सब्ज़ी बनाएगा, फटाफट से मैं उत्पम और पकौड़े बना देती हूँ, लेकिन इन सब की प्रिपेरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी बनने में खैर टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ इनकी तैयारियाँ करने में, सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने चॉप करी थी, पकौड़े के लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करना, गोल करना, और तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे लगता है कि रोटी सब्ज़ी तो मतलब सिंपल अगर दाल रोटी बनाएंगे ना तो 15 से 20 मिनट में रोटी सब्जी बन जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए। तो ये इधर पकोड़े जो है वो भी तैयार हो गए हैं, और इधर उत्पम जो है वो भी बन गया है, तो अभी बस फटाफट से मैं और जैन साहब हम दोनों जने खाएंगे, और तब थोड़ी सी देर में फिर बच्चे जो है वो भी आ जाएंगे और आंटी भी आएगी। तो ये लीजिए, लग गई हमारी आज की छुट्टी वाली लंच की
थाली और जिसमें है एकदम कुरकुरे से पकौड़े हैं, उत्पम है, साथ में नारियल की चटनी और है सॉस। तो आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, बहुत यम्मी बने थे, मतलब बहुत ही गजब के बने थे। और इधर हुआ क्या था कि हम लोग जैसे ही खाना खाने बैठे और एकदम से बैल बजी तो आज आंटी जो थी वो भी 10 मिनट पहले आ गई थी। तो अच्छा हुआ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पकोड़े जो है बना के रखे थे, तो फिर थोड़े बहुत पकोड़े मैंने उनको भी रखे और कुछ देर में फिर बच्चे भी आ गए थे, तो फिर उनको भी मैंने गर्मा गर्म पकोड़े और उत्पम बना के दे दिए। तो अभी बस वो सब लोग अपना खाना जो है वो खा रहे हैं और अभी मैं जो थोड़े बहुत बर्तन सिंक के अंदर हो गए हैं तो वो मैं क्लीन करी और साथ में बच्चों के टिफ़िन बॉटल और इन सबको भी साफ़ करूँगी। और उसके बाद में फिर हम लोग बच्चे जो है वो तो कुछ देर के लिए सोएंगे और फिर वो जाएंगे ट्यूशन और अभी हम दोनों जने जाएंगे डी मार्ट, फिर मैं आपसे आकर मिलती हूँ। तो अभी शाम की करीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। तो डी मार्ट तो आज हम जल्दी ही आ गए थे, मतलब हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1.5 घंटे के करीब ही कुछ लगा था। और क्योंकि सामान भी मुझे ज़्यादा नहीं लेना था, लेकिन ये कि उसके बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और अभी मैं बस फटाफट से यहाँ पर टेबल पे सामान जो है वो जमा दूँगी और फिर आपके साथ में एक एक करके शेयर करती हूँ कि मैं डीमार्ट से क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। तो ये है मेरी सारी ही मंथली ग्रोसरी का सामान जो कि मैं हमेशा डीमार्ट से लेके आती हूँ और आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। तो इस बार फिर मंथली जो मेरे रूटीन के सामान होते हैं ग्रोसरी के वो तो लेके आई हूँ, लेकिन है ना उसके अलावा भी कुछ इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें मुझे आज मिल गई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में दिवाली भी आने वाली है, तो मतलब डीमार्ट के अंदर आपको हर तरीके की चीज़ें जो है वो मिल जाती है। तो कुछ अच्छी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, होम डेकोर से रिलेटेड है और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले तो फटाफट से बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले तो देखो ये 5 लीटर का कौन सा सफोला एक्टिव ये वाला मैं लेकर आई हूँ। और ये जो टैल्कम पाउडर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बच्चे मतलब पाउडर ट्यूशन जाएंगे तब भी उनको थोड़ा सा तो लगाना ही लगाना है। तो ये बड़ा वाला जम्बो वाला पैक था जो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में था वो लेकर आई हूँ। सॉस बिल्कुल ख़त्म हो गया था क्योंकि लास्ट मंथ में एक ही लेकर आई थी पाउच ना, तो इस बार मैं फिर दो जो सुरभि की है 9 ऑनियन 9 गार्लिक वाली वो लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये हो गई अपने नहाने की साबुन जो वाली और कपड़े धोने की साबुन ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो एक लिस्ट जो है वो बना के फिर ही मैं जाती हूँ ताकि कोई भी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा ना आ जाए। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि डी मार्ट में हमको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है और हम वहाँ से लेकर आए, लेकिन अगर हम बिना लिस्ट बनाए जाएंगे ना तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि जो ऑलरेडी हमारे घर के अंदर या तो पड़ी है या फिर हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे जो यहाँ पर जो हम डिस्काउंट करके जो पैसे सेव करते हैं ना वो सारे पैसे हमारे उन एक्स्ट्रा सामान में लग जाते हैं। तो हमेशा लिस्ट बना के जाइए। और उसके बाद में ये कपड़े धोने वाले सॉरी ये बर्तन साफ करने वाली विम बार है। और उसके बाद में देखिए जैसे कि अभी मेरे को दिवाली की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, तो मैं ये स्टेनलेस स्टील के जो स्क्रबर्स है ये पूरा 6 का सेट था और ये मुझे मिला था 59 रुपीज़ में, ठीक है। तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ। और ये हो गई अपनी चाय पत्ती बाग बकरी वाली जो कि आधा किलो का पैक है। और ये मैं लेकर आई हूँ पीताम्बरी। लास्ट टाइम आप में से किसी ने मुझे बोला था ना कि जो मेरे गैस स्टोव के ऊपर जो कुछ काले दाग धब्बे हो गए हैं उसको आप पीताम्बरी पाउडर से क्लीन करना, तो मैं नीचे ही मतलब बिल्डिंग में हमारे नीचे एक शॉप बनी हुई फूड बास्केट, तो वहाँ से मैं पीताम्बरी का यही वाला पैकेट जो है वो 60 रुपये में लेकर आई थी क्योंकि इसके ऊपर MRP भी 60 रुपये ही है, लेकिन यही मुझे डिमांड में 45 रुपीज़ में मिला था। उसके बाद में ये दंत कांति का पेस्ट और ये लेकर आई हूँ मैं डेट्स ये जिसके अंदर सीडलेस जो होते हैं वो वाले मैं लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये देखो रिफ्लेक्ट का मैं ये लेकर आई हूँ जेल लेकर आई हूँ डिश वॉश लिक्विड क्योंकि अभी क्लीनिंग करेंगे तो क्लीनिंग के टाइम पर अगर इस तरीके के लिक्विड वगैरह होते हैं तो काम जो है वो अच्छे से और फटाफट हो जाते हैं। और ये मैं लेकर आई हूँ वही रतलामी नमकीन का पैकेट जो कि अभी यहाँ से खुल गया है क्योंकि आते में ही टूट पड़े थे सब लोग, बहुत पसंद आई थी। लास्ट टाइम मेरी ही कोई प्यारी सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला था कि ये वाली नमकीन जो है वो अच्छी होती है और सही में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी थी सबको, स्पाइसी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो एक ये हो गई है। उसके बाद में हाँ एक पता है मैं इस बार क्या लेके आई हूँ अलग सी चीज़, मसूर जो आते हैं ना पूरे साबुत वाले मसूर वो, अदरवाइज में मसूर ना दाल तो फिर हमने कभी खाई भी नहीं है, कोई पसंद ही नहीं करता है। और मसूर जो है वो शायद मैंने शादी से पहले एक बार कभी खाए होंगे और उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किए, तो इस बार मैं ये पूरे वाले मसूर जो है वो लेकर आई हूँ। और आप में से मुझे बताना कि इसको बनाते कैसे, नॉर्मल जो दाल बनती है बिल्कुल उसी तरीके से बनते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आप लोग मुझे बताना। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ मैं ये मकई का पोहा, तो अभी चिवड़ा वगैरह मैं बनाऊँगी फेस्टिवल टाइम में, मैं चिवड़ा जो है वो ज़रूर बनाती हूँ। और ये है पीनट्स, तो थोड़े से मैं ज़्यादा लेकर आई हूँ और पीनट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, मतलब जो रेट पहले 110 रुपये किलो थी वो 120-130 और अभी शायद 160 रुपये कुछ थे, बट अभी मैं थोड़े ज़्यादा लेकर आई हूँ क्योंकि चिवड़ा वगैरह बनेगा तो उसके अंदर ये यूज़ में आते हैं। और उसके बाद में
ये हो गया अपना बिस्किट्स। बिस्किट्स में बच्चे मेरे एक तो हाइड एंड सीक खाते हैं और एक वेफर बिस्किट है, तो वही बिस्किट जो लेकर आई हूँ। इसके अलावा इधर ये वाला एक और जो ये पड़ा हुआ है, ये सामान मैंने निकाला नहीं क्योंकि इसके अंदर वही है, एक तो शक्कर है, चावल है, सूजी है। और पोहा मुझे डी मार्ट का इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा वो होता है ना थोड़ा सा डार्क कलर का, तो मतलब एकदम वाइटनेस नहीं थी, तो वैसा पोहा फिर कोई नहीं खाता है। तो ये तो हो गई मेरे सारे ही ग्रोसरी का सामान। तो इस बार ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं लानी थी क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने मेरा डी मार्ट का होल वीडियो देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा मैं सामान जो है वो लेकर आई थी, तो काफ़ी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इस बार ज़्यादा मुझे नहीं लाना पड़ा। एक चीज़ और मैं एक डस्टबिन भी लाई हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ और क्या लेके आई हूँ। हाँ, अब बारी आती है कि कुछ, अभी मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ होम डेकोर से रिलेटेड मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाली ट्रे, ये देखिए ट्रे, ये मटेरियल क्या है वो तो एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि इसका मटेरियल क्या है, क्या है, हैवी है एकदम, और कलर बिल्कुल जैसे वो होता है ना कॉपर टाइप का, बहुत एकदम डिफरेंट सा कलर है, बहुत अच्छा लगा। पूरा सेट था इसके साथ में ना, वो भी थे, कप थी, छोटी छोटी प्लेट्स थी, थालियाँ भी थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। ये मुझे सिर्फ 99 रुपीज़ में पड़ा। और इसके नीचे देखिए थोड़े छोटे छोटे से रबड़ जो है वो लगा रखे हैं, तो बिल्कुल फ्लोर के टच होके नहीं रहेगी, थोड़ी सी इससे ऊपर रहेगी, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं आपको ना पास से बता देती हुई है। और आजकल ना मैंने देखा है यूट्यूब पर कुछ शॉर्ट्स वीडियो में देखे थे कि इस तरीके के बर्तन जो है वो थोड़े से ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये लेकर आई हूँ। उसके बाद में एक चीज़ जो मैं ना बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही थी, और आप लोग मुझे बहुत बोल रहे थे कि दीदी कम से कम ये तो ज़रूर लेकर आ जाओ, तो ये देखिए इस बार मुझे डीमार्ट से ये मिल गया, एप्रीन। हाँ, किचन के अंदर हम काम करते हैं, बिना एप्रीन के काम करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये कि जैसा मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए इस बार मुझे ना डीमार्ट में काफ़ी अच्छी प्रिंट मटेरियल और बहुत ही लो प्राइस में, 99 रुपीज़ का है। और पता है मैं भी कुछ दिन पहले तो ये भी सोच रही थी कि अगर डी मार्ट से मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं ऑनलाइन परचेस कर लेती हूँ, अमेजोन पे मैंने देखे थे, लेकिन इस क्या पता इसी तरीके के होंगे या हो सकता है कि किस तरीके मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद 200 या ऐसे कुछ 200 से ऊपर की रेंज के ही थे, तो मुझे थोड़े वर्थ नहीं लग रहे थे तो मैंने नहीं मंगाए थे। और अब मुझे लग रहा है कि अच्छा वो मैंने नहीं मंगाए क्योंकि काफ़ी मुझे ना ये वाला अच्छा लगा, जो कलर जो है काफ़ी सुंदर है। एक तो ये है और एक और मैं लेके आई हूँ ब्लू कलर, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला, ये मेरे सोफे से मैच करता हुआ है। ये मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल कॉटन फैब्रिक है इसका, स्टिचिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ठीक है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, दोनों वाइब्रेंट कलर है, क्योंकि किचन में हम काम करते हैं ना तो जब एप्रिन पहनते तो अच्छा लगना चाहिए। और उसके बाद में लेकर आई हूँ मैं ये वाली दिया, इनको क्या बोलते हैं, हाँ ये दीपक, ये वाले दीपक, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम पर फिर रंगोली वगैरह कुछ भी बनाते हैं या कुछ भी डेकोरेशन वगैरह करते हैं तो इस तरीके के दिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये पूरे ही 30 दीपक है, 30 दीपक का सेट है और ये मुझे पड़ा है 99 रुपीज़ में। तो एक तो ये हो गया है, उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ ये लाइट, ये 149 रुपीज़ की है, येल्लो वाली जो लाइट होती है ना वो, तो काफ़ी कलर्स थे इसमें, रेड भी था, ब्लू था, येल्लो था और ग्रीन था, इस तरह के जो कॉमन कलर से वो तीनों चारों पांचों कलर थे, लेकिन मुझे येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं येलो कलर लेकर आई हूँ, और ये मुझे पड़ा था 149 रुपीज़ में। और अदरवाइज मेरे पास में पहले के काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, लाइट्स भी पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, तो ज़्यादा मुझे परचेजिंग करनी ही थी। और उसके बाद में मेन जो चीज़ है वो देखिए ये, इसको देख के तो मेरा मन जो है खुश हो गया था और फिर बस मैंने ले ही लिया। तो ये मुझे कुशन कवर्स जो हैं वो मिले, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे सारे ही इसमें कलर्स से, जो फेस्टिवल वाले कलर्स होते हैं ना, जो फेस्टिव वाइब्स देते हैं, येलो है इसके अंदर, पिंक है, कैरेट कलर है, ग्रीन है, हर तरीके का कलर इसके अंदर आपको दिख जाएगा। तो ये वाले और फैब्रिक इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मजबूत है, और मैंने इनकी जो ये जिप वगैरह होती है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़े से मुझे कॉस्टली तो पड़े, ये मुझे एक कुशन कवर जो था वो पड़ा था 149 रुपीज़ में, बट मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने सोचा कि चलो, और जैन साहब भी साथ में थे तो उनको लगा कि हाँ इसको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है ले लें। तो ये मैं लेके आई हूँ 5 ये वाले, ठीक है, तो आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, और मुझे तो बहुत सुंदर लगे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मतलब ये जो सोफ़ा कवर है ना इसके इन कुशन्स के साथ में भी मैं डालूंगी ना तब भी अच्छे लगेंगे ये। अभी मैं पहना नहीं रही हूँ, खाली ऐसे ही लगा के आपको बता रही हूँ ये, है ना, तो अच्छे लगेंगे।
एकदम जैसे 3D होता है ना, 3D तरीके का, इसमें मुझे लगता है 3D प्रिंट नहीं है इसके ऊपर, है ना, वो बीच में है ना इन्होंने कुछ वो गोल्डन कलर की जो होती है ना बॉटम वगैरह वो लगा के रखी हुई है, और बाकी ये मल्टी कलर्स हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। थोड़े से मुझे कॉस्टली तो लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने ले लिए। तो ये हो गई मेरे सारी ही डीमार्ट की शॉपिंग। इस बार बिल जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं बना, बिल शायद 5,000 के अंदर अंदर ही इस बार बिल बना था। तो चलिए ये तो हो गया सारा का सारा सामान, अब मैं फटाफट से सामान को हाथों हाथ, क्योंकि ये दुकान यहाँ पर लगाई है मैंने, तो इसको फटाफट समेटूंगी, अपनी अपनी जगह पे इसको लगाऊंगी, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। कुछ भी चीज़ वीडियो में आपको पसंद आई हो, रेसिपी मेरी पसंद आई हो, मेरा डीमार्ट का जो ये होल वीडियो है वो पसंद आया हो, मेरे जो कुशन कवर्स है वो पसंद आए हो, एप्रिंस पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपके भी आसपास में डीमार्ट है तो आप जाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। और अभी तो खैर फेस्टिवल, अभी नवरात्रि अभी स्टार्ट हुई है, तो आगे आने वाले दिनों में वहाँ पर मुझे पता है कि हर तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।